चोरी करना एक आर्ट है। देखते ही वी कम टू नो घर में कितना माल होगा। घर में सूखते कपड़ों को देख के हाउ मेनी आदमी औरत नौकर है सब पता चल जाता है। डॉग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देसी ब्रीड है या फॉरेन ब्रीड। एक रोटी खाता है दूसरा बिस्किट। अपना औजार ले जाएंगे तो आप जैसे पुलिस वाले बाहर ही धर दबोचेंगे। घर के कबाड़ से ही औजार ढूंढते हैं, सूंघ के पता लगा लेते हैं। किचन किधर, बेडरूम किधर, हाथ लगाते ही पता चल जाता है कौन सी कपड़ों की अलमारी है कौन सी कैश की। मास्टर की अपने पास होती है 5 मिनट में साहब साहब कुछ टेस्टी बनाओ तो खा भी लेते हैं साहब, फिर खिसक लेते हैं। बियर आर्टिस्ट और आप हम पे खून का इल्जाम लगा रहे, इंसल्ट है भाई। क्या खड़ा रहे? सर ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम हटो सत्या, डंडा मुझे दो। अलमारी खोलना मेरा खासियत है। 200 ग्राम तेल और पकड़ के लिए हाथ में राख चाहिए। वही जाते हैं जहाँ खिड़की के पास अलमारी होती है और खिड़की पे चढ़ के जमीन पे तेल डाल देते हैं और फिर जैसे चाहो एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। और यही हमारा प्लान होता है सर, काम पूरा। भगवान हमारे पार्टनर हैं, लूट के माल का एक हिस्सा देते हैं। उनको कट नहीं मिला तो मेरा सर कट जाएगा। मैंने नहीं किया सर। और अपना मुंह। जी में कैरावास जाति का एक गैंग काफी सक्रिय हुआ करता था। मैं डिपार्टमेंट में था तो मरियप्पन गैंग डकैतियां डालता था। वो लोग अपनी असली पहचान छुपा के रखते थे। 25 सालों से इन्फॉर्मर का काम कर रहा हूँ, इस तरह का घिनौना अपराध कभी नहीं देखा। सही में सर मुझे नहीं पता है सर। कोई आइडिया नहीं है सर। तमिलनाडु सर, गन रखते हैं डकैती के लिए, कभी नहीं सुना। लाइसेंस निकालो, जितनी भी सुनसान जगह सब जगह नोटिस लगा दो। इन हाईवे डकैतियों को एक आम केस समझ के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, पर ये ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये एक्सट्रीमली रेयर और सीरियस केस है। कौन है ये डकैत? नो आइडिया। कैसे ट्रेवल करते हैं, जुर्म करके कैसे भागते हैं, नहीं पता। सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान कैसे ले पाते हैं, नहीं मालूम। आज तक एक भी आई विटनेस क्यों नहीं मिला, अगेन नो आइडिया। वो शातिर न सिर्फ सवाल छोड़ गए पर साथ में एक फिंगरप्रिंट भी छोड़ गए। और चूंकि ये एक यूनिक केस है, हमने इस फिंगरप्रिंट को तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में भेजा। किसी भी अरेस्टेड क्रिमिनल से ये मैच नहीं किया, लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद ये एक जगह मैच किया। 1995 से अब तक हुई 22 डकैतियों और हत्याओं के सिमिलर क्राइम सीन से ये फिंगरप्रिंट कॉमन फैक्टर निकला। ये कोई पुराना गैंग नहीं है, एक नया गैंग है जो पिछले 9 सालों से कानून के हाथों से बचता फिर रहा है। उन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये क्राइम करते रहेंगे। अब तक 18 लोग जान गंवा चुके हैं, 60 आंख कान खो चुके हैं, जबड़े तुड़वा चुके हैं, कुछ कोमा में हैं। मैं हैरान हूं कि डिपार्टमेंट ने इतनी लापरवाही कैसे बरती। मैं सो नहीं पाता, उन बच्चों और बूढ़ों की चीखें मेरे कान में गूंजती हैं। क्राइम में विक्टिम की जान जाना कोई नई बात नहीं है, इसमें डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है? एक आम नागरिक भी जुर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हम लोग तो उसकी सैलरी लेते हैं, हमारे घर चलते हैं उससे। एक शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी है, लेकिन शायद आपको शर्म नहीं आती। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर सभी विक्टिम्स को सर के एक ही साइड पर मारा गया है। ये जानवरों को मारने की टेक्निक है। इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि हत्यारे शिकार करना जानते हैं। उन्होंने देसी कट्टे इस्तेमाल किए जो इस स्टेट में नहीं बनते। पिछले क्राइम सीन से एक चप्पल, गुटका और एक खाली कारतूस मिला। ये सब तमिलनाडु के बने हुए नहीं थे। सो डीजीपी की परमिशन से एक टीम के साथ पूरे देश में चेक करना चाहते। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन, पागल हो गए हो क्या? कुछ मामूली चोरों को पकड़ने के लिए पूरी बटालियन चाहिए। जानते भी हो कितना बड़ा देश है, कितने जेल्स हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं, और तुम एक फिंगरप्रिंट मैच करवाने और कुर्सी तोड़ने के अलावा आखिर तुमने किया ही क्या है? यू मे गो, बाहर वेट करो। इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, मिनिस्ट्री से बात करता हूं फिर देखते हैं। नहीं माना। पब्लिक की सुरक्षा का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा सर। देखो इस केस के लिए एक स्पेशल क्राइम टीम बनाओ, एक वैन प्रोवाइड करता हूँ, उसे यूज करो, दूर जाना हो ट्रेन से जाओ। यस सर। प्रिया के पास एक लेडी कांस्टेबल छोड़ के मैं निकल पड़ा, एक चप्पल, खाली कारतूस और एक फिंगरप्रिंट, इस देश के एक एक क्रिमिनल से वेरीफाई करना था। देखिए आंध्रा में ज्यादातर ड्राइवर्स ऐसे ही चप्पल पहनते हैं, इस चप्पल से पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी तरह के 3 केसेस यहाँ भी रजिस्टर हो चुके हैं। 10 साल हो गए, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर सर, अरे भैया कौन थी? एसपी सर, एसपी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है।
लगता है यहाँ पुलिस वालों की भी यूनियन है, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। पूछो अंदर जा सकते हैं क्या? भैया अंदर जाए। ऐसे देसी कट्टे यहाँ इजीली अवेलेबल हैं, इससे प्राइम एविडेंस नहीं मान सकते। यहाँ सेम मोडस ऑपरेंडी के 4 केसेस पेंडिंग है। जाके चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में चेक करो। नो 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 नो, वो हमेशा बैकडोर से एंटर करते हैं, पर आपके केस में सामने दरवाजे से आए। शादी को 2 साल हो चुके थे, प्रिया से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा। पैसों की तंगी थी, ढाबे या फिर स्कूल में सोते, जो मिलता खा लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए टीम मेंबर्स बीमार पड़ने लगे। बहुत खतरनाक गैंग है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्राइम उनके डीएनए में बसा हुआ है। देखिए क्रिमिनल ट्राइब्स जो शब्द है वो फॉरनर्स ने इजाद की है, वो हमें गुलाम बनाकर हमसे हल चलवाते थे। दिल में गिल्ट थी कि प्रिया को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उन दरिंदों को ढूंढने की मेरी कोशिश ने मुझे खून से सने इतिहास से रूबरू करवाया। भारत के हर एक कोने में घिनौने क्राइम्स होते आए हैं, जहां जहां भी गए इससे घृणित केस पेंडिंग थे। उन सब केसेस से फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए और उन्हें हमारे केस के प्रिंट से मैच किया। इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ था, लेकिन कौन सा गैंग? कौन है वो दरिंदे? इन केसेस से रिलेटेड एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स को बारीकी से पढ़ने के बाद एक विचार आया। क्राइम्स की डेट और ईयर के हिसाब से इन डकैतियों को कैटेगराइज किया। एक छोटा सा क्लू मिला है। फर्स्ट, 1995-96 के बाद तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 4 सालों तक गैंग एक्टिवेट नहीं था। क्यों? शायद सब उस वक्त जेल में होंगे। पर कौन सी जेल? सेकंड, 10 साल पहले तिरुपति में अरेस्ट हुए एक एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया कि मैं छोटे गैंग की छोटी मछली हूं। ट्रक गैंग हफ्ते में 4 बार स्ट्राइक करता है, मुझे जाने दो, बड़ी मछली पकड़वा सकता हूं। क्राइम सीन के ऑब्जर्वेशन से गैंग का अंदाजा लग जाता है। थर्ड, एक डाउट है कि यह ट्रक गैंग है। 14 फरवरी 2000 को गुमडी पुंडी में वारदात हुई, फिर 16 को आर्थर में, अगली वारदात 18 को कारीमंगलम धर्मपुरी में और 29 को बैंगलोर के बाहरी एरिया में वारदात हुई। गुड्स की डिलीवरी करते समय ये सारे क्राइम्स हुए होंगे। सत्य सर, वो एक्यूज्ड अभी तक तिरुपति जेल में है, बेल करवाओ और उसे क्राइम सीन पर लेकर आओ। ओके सर। पता करो कि क्या ये ट्रक गैंग का काम है। ये पक्का ट्रक गैंग का ही काम है सर। लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? विक्टिम्स के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अननोन वेपन से उन पर वार किया गया। ये ट्रक में लगने वाला फ्लैग रॉड है। वो लोगों को मार के इसे फिर से अपने ट्रक में लगा देते हैं, पुलिस के हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता। सभी ट्रक्स को सीज करके रॉड के फिंगरप्रिंट लेते हैं। नहीं सर, बात मीडिया में फैल जाएगी, गैंग सतर्क हो जाएगा। एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उन्हें उन्हीं की जगह अरेस्ट करेंगे। उनका एकमात्र एविडेंस है उनके फिंगरप्रिंट्स। नॉर्थ इंडिया में फिंगरप्रिंट्स गिल्ट प्रूव होने के बाद लिए जाते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सरकारी खर्चे पे पूरे इंडिया का फ्री टूर किया और अब यहाँ अपनी कहानियां सुनाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान क्यों नहीं लेते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं सर, जरूर पकड़ सकते हैं। जिस दिन गैंग आप जैसे बड़े ऑफिसर्स पे या किसी एमएलए या मिनिस्टर के घर पर अटैक करेगा, जो एक दिन होकर रहेगा, उसी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट केस को सीरियसली लेगी और फिर वो गैंग बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आम पब्लिक की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। थिरन, सॉरी सर, हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की है सर। इस पे हमारे पैसे खर्च हुए हैं। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन्होंने 5 अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक किया है, वैसी ढंग से लोगों को मारा है। डिपार्टमेंट को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं। अच्छाई और बुराई की इस जंग में पुलिस हार रही है, विक्टिम्स के बजाय क्रिमिनल से वफादारी दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल सर। स्पेशल टीम की रिक्वेस्ट खारिज कर दिए सत्या, देखते हैं क्या होता है। ओके। मेरी बिल्ली, कोई फायदा नहीं है, उठ जा। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक भी नहीं उठा। सर तो बिजी है मीटिंग में। पर ये बेस्ट ऑफर में लाया हूं, अब बिना डिस्टर्बेंस के डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। इस ग्रीन बटन को दबाना है। पता है, देख चुकी हूं। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक परेशान है। और मैं, मेरा रसगुल्ला। बातें मत बनाओ। क्यों? आई एम सीरियस। ओके सीरियस, बोल डाल। इस बच्चे का क्या? यू सच में शैतान? तुम्हारी फ्रेंड की शादी में क्या गिफ्ट ले जाएंगे? तुम डिसाइड करो, जैसा चाहो, जो तुम्हारी इच्छा। सब मेरी इच्छा है तो तुम्हारा होने का क्या फायदा?
तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना। हो गया, ले जाओ। डार्लिंग, टमाटर भी काट दो ना। एक बात कहूं, घर के काम में मैं तुमसे ज्यादा। एक बात कहूं, मैं तुम्हें काफी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। बचाओ आशीर्वाद। ठहर तो।